Love Story, Season 2. Hey, apna dil to awara, na jaane kis pe aayega. फिल्म 16वां साल का ये बेहद मशहूर गीत कहने को तो एक फिल्म का गीत है। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। लेकिन इस गीत के बोल जैसे देवानंद की असली जिंदगी के उस पहले प्यार को बयां करते हैं जिसकी कसर देवानंद ने उम्र भर महसूस की। I love the, she loved me back. अभिनेत्री सुरैया के साथ देवानंद की वो खूबसूरत लव स्टोरी जिसे जमाने की नजर लग गई। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। वाकई जिंदगी के हर लम्हे साथ चलता है पहला प्यार। मैं हूं निगार खान और आज बात उस लव स्टोरी की जिसका जिक्र उस जमाने में हर गली, हर चौक, हर ड्राइंग रूम में होता था। सुर्खियों में रही इस लव स्टोरी की कशिश कुछ ऐसी है कि आज भी अगर कोई देवानंद का नाम लेता है तो खुद ब खुद जुबां पर सुरैया का नाम आ जाता है। आखिर क्या हुआ था इनकी लव स्टोरी? देवानंद और सुरैया की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी 1948 में। उस दौर में सुरैया फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी अभिनेत्री और गायिका थी। वो फिल्मों में अपने गीत खुद ही गाती थी। जबकि देवानंद अभी नए नए आए थे और एक अभिनेता के रूप में ज्यादा मशहूर नहीं हुए थे। देवानंद को फिल्म विद्या के लिए साइन किया गया जिसकी हीरोइन सुपरस्टार सुरैया थी। इस फिल्म के सेट्स पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शूटिंग के पहले ही दिन देवानंद और सुरैया के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाने वाला था। उन लम्हों को याद करते हुए देवानंद ने अपनी जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा। सीन की शूटिंग से पहले मैं सोच रहा था कि देश की ड्रीम गर्ल जो अपने हर फैन के दिल में बसती है वो आज मेरे गले में अपनी बाहें डालेगी। कितना अच्छा होगा अगर उस समय कोई मेरी तस्वीर खींच सके। शॉट शुरू होने से पहले मैंने सुरैया से कहा कि मेरे बालों में जरा ध्यान से हाथ लगाइएगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे पफ को खराब नहीं करूंगी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में पहली नजर में देवानंद और सुरैया को हो गया था प्यार। अब फिल्म के सेट पर निगाहें बस एक दूसरे को ही तलाशते रहती। यही नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख दिए थे। अपने फेवरेट नॉवल के हीरो के नाम पर सुरैया ने देवानंद का नाम रखा स्टीव, जबकि देवानंद को सुरैया की नोज यानी नाक लंबी लगती थी तो उन्होंने सुरैया का नाम रख दिया नोजी। नोजी, हाउ रोमांटिक। फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान ही एक सीन नाव में फिल्माया जा रहा था। इसी सीन की शूटिंग के दौरान अचानक नाव पलट गई और सुरैया पानी में डूबने लगी।
तभी देवानंद ने तेजी से तैरते हुए उन्हें बचा लिया। इस घटना को याद करते हुए करीब 40 साल बाद 1987 में पत्रकार शीला वेसुना को दिए गए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, मैंने देव से कहा, अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं खत्म हो जाती। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी खत्म हो जाता। मुझे लगता है यही वो पल था जब हम दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसे तो ना देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। शुरुआत में तो देवानंद सुरैया के घर कई बार डिनर पर गए। सुरैया के घर में उनकी माँ, नानी और मामा रहते थे। सुरैया का सारा कामकाज उनकी नानी और मामा संभालते थे और सुरैया उनकी हर बात मानती थी। देवानंद अपने दोस्तों के साथ जब उनके घर जाते तो उनके दोस्त सुरैया की नानी को बातों में लगा लेते और घर की छत पर घर वालों की नजरों से दूर दोनों प्रेमी एक कोने में बैठकर घंटों तक एक दूसरे से बातें करते। रहने दो, मुझे आसमान पर मत चढ़ा। और फिर जाने का वक्त आ जाता। अभी न जाऊं छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। सुरैया और देवानंद की लव स्टोरी में सबसे बड़ी अड़चन उनके धर्म को लेकर थी। सुरैया मुस्लिम थी और देव हिंदू। उस दौर में इस तरह की शादी होना आम बात नहीं थी। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी कि वो शूटिंग के अलावा देव से बिल्कुल नहीं मिलेंगी। उसे गालियां दे रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं। कोसूंगा, 100 बार, 1000 बार कोसूंगा, और अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसका गला घोट दूंगा। कई साल बाद जून 1972 में फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, नानी बेहद सख्त थी, घर में सब उनकी बात मानते थे। मैं शर्मीली थी, नादान थी और उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। वो मुझसे गुस्से में कहती, एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़की की शादी कैसे हो सकती है? कल तक सोचना पाप था लेकिन आज और बात है, कल तक कहना पाप था लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दो। यहाँ तक कि हर शॉट से पहले और बाद में देवानंद और सुरैया के बात तक करने पर उनकी नानी ने रोक लगा दी। अब बात करने पर रोक लग गई थी तो प्रेम के दीवानों ने अपने दिल के हाल एक दूसरे से खत के जरिए बताना शुरू कर दिया। हाय, वो खत लिखने वाला दौर। लव लेटर्स पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई देवानंद के दोस्तों, कैमरामैन दिवेचर, अभिनेता ओम प्रकाश और अभिनेत्री कामिनी कौशल को। अब ये दोनों सेट पर तो मिलते थे मगर दिल की बातें होती थी खतों के जरिए, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को स्टीव और नोजी के नाम से ही पुकारते थे। फूलों के रंग से, दिल की कलम से,
तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। ऐसे ही एक रोमांटिक खत में देवानंद ने सुरैया को लिखा, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, हमारी जोड़ी सबके लिए एक मिसाल होगी। हम खुशियों से भरा एक ऐसा घर बनाएंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया हमसे जल उठेगी। लेकिन एक बात कह देता हूं, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों ना मिट जाए, फिर भी मैं तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। दोनों अपने आने वाली जिंदगी के सपनों में खोए रहते, वो अपने घर और बच्चों की बातें भी करते। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने बताया, मैं हमेशा देव से कहती कि मुझे लड़की चाहिए ताकि मैं उसको अच्छी अच्छी ड्रेस पहना सकूं। देव मुझे छेड़ते हुए कहते, तुम्हारे पास खेलने के लिए पहले से ही इतनी सारी गुड़िया हैं, तुम्हें एक और गुड़िया क्यों चाहिए? फिर मैंने उनसे कहा कि हम अपनी बेटी का नाम देवीना रखेंगे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। इन्हीं दोनों फिल्म जीत के एक सीन में देवानंद और सुरैया की शादी का सीन फिल्माया जाना था। सुरैया के घर वालों की सख्ती से परेशान देव और सुरैया ने यह फैसला किया कि इस सीन में वो असली पंडित को बुलाएंगे, असली मंत्र पढ़े जाएंगे और इन दोनों की वाकई में शादी हो जाएगी। समय बीता जा रहा है, कन्या को मंडप में लाया जाए। जी हाँ। सेट्स पर सारा इंतजाम हो चुका था, असली पंडित भी आ गए, लेकिन तभी एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने यह खबर सुरैया की नानी तक पहुंचा दी। फिर क्या था, सेट्स पर हंगामा मच गया और नानी सुरैया को सेट से खींचकर जबरदस्ती घर ले गई। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। इसके बाद सुरैया की नानी ने जल्द से जल्द सुरैया की शादी करने का फैसला कर लिया और शादी के लिए उन्होंने चुना उस जमाने के मशहूर निर्देशक एम सादिक को, जो सुरैया को कई फिल्मों में डायरेक्ट कर चुके थे। मगर देव की यादों में तड़प रही सुरैया किसी से भी शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। और फिर घर में वो हुआ जिसने सुरैया को दहला दिया। उन दिनों को याद करते हुए 1987 में पत्रकार शीला वेसुना को दिए गए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, हर रोज मुझे समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के हमारे कई करीबी लोगों को बुलाया जाता, जो मुझे समझाते कि देव के साथ शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। अभिनेत्री नादिरा के पहले पति नक्शब तो मेरे सामने कुरान ले आए और बोले कि इस पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम देव से शादी नहीं करोगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने देवानंद से शादी की तो देश में दंगे भी हो सकते हैं। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत तब टूट गई
जब मेरी नानी और मामा ने देव को जान से मारने की धमकी दी। अपनी नानी और मामा की धमकी से घबराई सुरैया ने फिल्म नीली की शूटिंग के दौरान देव से बात की और बताया कि वो उनकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती, इसलिए देव उन्हें भूल जाए। लेकिन उनकी बात सुनकर देवानंद बोले, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे धर्म अलग है, मेरा धर्म मोहब्बत है, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। हमारे प्यार के बीच में समाज और परिवार को मत आने दो। लेकिन सुरैया कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। ये देखकर देवानंद को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे बारे में इतना सीरियस हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? शायद मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे सपने देख सकूं। There's a difference between a girl who comes and says, "Look, I love you, I want to go with you and help with the world," and a girl who loves you and says, "How will I, my mom, my dad, my people, my religion?" इसके बाद गुस्से में देवानंद इतने जज्बाती हो गए कि सुरैया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुरैया फूट फूट कर रोने लगी। देव उस समय तो वहां से चले गए, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। नहीं रोजी, मैंने तुम पे नहीं, अपने आप पर गुस्सा किया है। देवानंद की जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ के मुताबिक इसी दौर में देवानंद से मुलाकात न होने पर परेशान सुरैया ने उन्हें खत लिखा। मैं तुम्हारा खत पढ़कर रोती रही। मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और हर हाल में तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल शाम 7 बजे तुम मेरे घर पर फोन करना, मैं फोन के नजदीक बैठकर इंतजार करूंगी। क्या हुआ जब देवानंद ने अगले दिन सुरैया के घर पर फोन किया और सुरैया के घर जाने से पहले देवानंद ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपने साथ क्यों लिया? क्या क्या मुसीबतें आई इनकी इस लव स्टोरी जानेंगे मेरे साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अगले दिन जब देवानंद ने सुरैया के घर पर फोन किया तो फोन उठाया सुरैया की नानी ने और उन्होंने डांटते हुए देवानंद से कहा कि अगर उन्होंने सुरैया के घर पर फोन करने या फिर सुरैया से मिलने की कोशिश भी की तो वो उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। लेकिन इसके बावजूद काफी देर तक देवानंद फोन पर फोन लगाते रहे, लेकिन हर बार सुरैया की नानी ने ही फोन उठाया। मोहब्बत पर सख्त पहरे लग गए थे। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। अपनी मोहब्बत से मजबूर देवानंद ने कुछ देर बाद फिर से सुरैया के घर फोन किया। इस बार फोन उठाया सुरैया की मां ने। हेलो, मैं हूं। मां को सुरैया और देव के रिश्ते पर एतराज नहीं था। उन्होंने देव को बताया कि सुरैया उनसे मिलना चाहती है, लेकिन उनकी नानी उन्हें नहीं मिलने दे रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर देव सुरैया से मिलना चाहते हैं तो अगले दिन रात 11:30 बजे उनके घर कृष्णा महल की छत पर पहुंच जाए। कृष्णा महल बिल्डिंग मुंबई के मरीन ड्राइव पर थी और इस बिल्डिंग के सामने समंदर था। सुरैया इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। अपनी जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं, की छत पर मुलाकात की बात सुनकर मुझे लगा कि कहीं ये मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं। अगर मैं वहां पर पकड़ा गया तो क्या होगा?
अगले दिन अखबारों में यह खबर छप जाएगी और फिर बहुत बदनामी होगी। मैं लॉकअप में भी जा सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक सुरैया की मम्मी ही तो हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अपने प्यार की खातिर मैंने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन अपने साथ मैंने अपने दोस्त तारा को ले लिया जो बॉम्बे पुलिस में इंस्पेक्टर था। उस रात देवानंद जब सुरैया से मिलने उनके घर की छत पर पहुंचे तो वो वहां उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे से कई हफ्ते बाद मिल रहे थे। जमाना वो नहीं रहा रोजी जब औरत घर की दासी समझी जाती थी, रोती थी, तड़पती थी, सहती थी, लेकिन हाय तक न करती थी। मैंने सुरैया को गले से लगा लिया। काफी देर तक हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उसे किस कर लिया। वो किस मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे शांत किया। मैं उसे हर मुसीबत से बचाना चाहता था। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लिया और बार बार कहने लगी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं भी कहां जा सकती थी, प्राण बिना देह कैसी। जन्म जन्म की प्रीति एक दूसरे को सच्चा उम्मीद बनाती है। और फिर अगले दिन देवानंद ने मुंबई के जवेरी बाजार से एक बेहद महंगी और खूबसूरत हीरे की अंगूठी खरीदी। वो ये अंगूठी खुद सुरैया को पहनाना चाहते थे। और जब देवानंद ने सुरैया के घर फोन किया तो फिर सुरैया की नानी ने ही फोन उठाया। ऐसे में अंगूठी को सुरैया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देवानंद ने सौंपी अपने दोस्त कैमरामैन दिवेचा को, जो बिना किसी रोक टोक के सुरैया के घर जा सकते थे। देवानंद के दोस्त दिवेचा ने अंगूठी सुरैया तक पहुंचा दी। जून 1972 में इस घटना को याद करते हुए स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, देव ने मुझे अंगूठी दी जिसमें तीन हीरे लगे थे। उसके साथ उनका एक संदेश भी था जिसमें लिखा था, ये सगाई की अंगूठी है। हालांकि हम सबके सामने सगाई नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कि तुम इस अंगूठी को अभी पहन नहीं पाओगी, लेकिन इसे मेरे प्यार की निशानी समझकर संभाल कर रखना। सुरैया ने उस अंगूठी को जल्दी से अपने कमर में छुपा लिया ताकि उनकी नानी की नजर उस पर न पड़े। इसके बाद उन्होंने दिवेचा से कहा कि वो देवानंद को बता दें कि वो उनसे बेहद प्यार करती है। उन दिनों को याद करते हुए देवानंद ने अपनी जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा, मैं सातवें आसमान पर था। उन्होंने अंगूठी ले ली, यानी अब हमारी सगाई हो गई थी। मुझे उसकी और भी ज्यादा याद आने लगी। मैं उससे मिलना चाहता था लेकिन उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया। हमारी शूटिंग भी खत्म हो चुकी थी, यानी अब हमारे मिलने का कोई तरीका नहीं था। कई हफ्ते गुजर गए, ना उसका कोई खत आया, ना फोन, ना कोई संदेश। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, सुरैया का हाल जानने के लिए देवानंद ने फिर से अपने दोस्त दिवेचा को उनके घर भेजा। लेकिन जैसे ही दिवेचा वहां पहुंचे, घर के दरवाजे पर उनका सामना हुआ सुरैया की नानी से। इस बार नानी ने दिवेचा से सख्ती से कहा कि अब उन्हें घर के अंदर आने की इजाजत नहीं है। यह साफ हो चुका था कि सुरैया के घर में अंगूठी वाली बात पता चल चुकी है
और सुरैया को घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जा रहा। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, लेकिन नानी की एक्सरे जैसी नजर से वो अंगूठी छुप नहीं पाई। उन्होंने मुझे सख्ती से घूरा और फौरन घर ले आई। इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं उस रात बहुत रोई। सुरैया की नानी ने तो फैसला कर लिया था कि वो सुरैया और देवानंद को एक नहीं होने देगी। अब आखिरी फैसला सुरैया को करना था कि क्या वो सब कुछ छोड़कर अपने देव के पास जाएंगी। और फिर फैसला हो ही गया। इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मैं इसका गला घोट दूंगा। मेरा गला घोटने से अगर आप दुनिया की हंसी रोक सकते हैं तो घोट दीजिए मेरा गला। चुप बेशरम, तूने तो खानदान की नाक कटा दी। अपनी जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं, सुरैया के घर में वो माहौल हो चुका था कि उसकी माँ के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं था। अगर सुरैया अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाती तो या तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता या उसकी नानी खुद को खत्म कर लेती। सुरैया रोती रही और आखिरकार अपने ऊपर पड़ते दबाव के आगे झुक गई। क्या से क्या हो गया बेवफा, फिर देवानंद की जीवनी के मुताबिक घर वालों की सख्ती से तंग आकर एक दिन सुरैया ने उनकी दी हुई हीरे की अंगूठी को समंदर में फेंक दिया। सुरैया ने उस अंगूठी को आखिरी बार देखा और मुझे याद करते हुए उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया, जहां वो उठती गिरती लहरों को हमारी मोहब्बत के अफसाने सुना सके। You bought her an engagement ring as well. I did. I sent it to her. I don't know what happened. People said she threw it in the river. I never asked her. People say her grandmother threw it. Well, she didn't like me. She didn't like me at a certain stage. हालांकि सुरैया का कहना था कि वो अंगूठी उनकी नानी ने उनसे छीनकर समंदर में फेंकी थी, लेकिन उन्होंने माना कि फैसले की घड़ी में कमजोर पड़ने वाली वो खुद थी। इस रिश्ते के खत्म होने की कई वजह थी। मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी। मेरे अंदर वो कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। शायद ये मेरी गलती थी या फिर किस्मत। अगर यही तुम्हारा हौसला है, हर औरत को तुम्हारी जिंदगी में शर्म आएगी। जिंदगी से हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। So you decided to get married to her? I thought, yeah, I proposed to her. And she accepted? She wanted to, she was not allowed to. देवानंद और सुरैया का रिश्ता टूट गया और इस बात ने देवानंद को भी तोड़ कर रख दिया। वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास गए और उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। चेतन ने उनसे कहा, ये घटना तुम्हें जीवन में और ज्यादा हिम्मत देगी, ज्यादा समझदार बनाएगी, ताकि तुम जिंदगी के बड़े संघर्षों में जीतने के लिए तैयार हो सको। It made a man of me, and I grew. I cried, but after crying, I became stronger. Very strong. जीवन के सफर में
मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। उस वक्त सुरैया देवानंद से शादी करने की हिम्मत नहीं कर सकी, मगर फिर जिंदगी भर उन्होंने किसी से शादी नहीं की और देव की यादों में ही खोई रही। वहीं सुरैया के बाद देवानंद की जिंदगी में आई अभिनेत्री कल्पना कार्तिक। देवानंद को फिर से हो गया प्यार। और फिर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन लंच ब्रेक में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से कर ली शादी। शादी के बाद कल्पना कार्तिक ने फिल्में छोड़ दी और देव का घर संभाल लिया। इनके दो बच्चे भी हुए। इस दौरान काफी साल तक देवानंद और सुरैया की कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर कई साल बाद एक पार्टी में दोनों आमने सामने आए। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। देव ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सुरैया ने पूछा कि बेटी का नाम क्या है। देव ने कहा, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मैंने अपनी बेटी का नाम देवीना रखा है। ये वही नाम था जिसके बारे में देव और सुरैया बातें करते थे और कहते थे कि वो अपनी बेटी का नाम यही रखेंगे। जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया का निधन हो गया। हर किसी को उम्मीद थी कि उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद जरूर आएंगे। मुंबई के मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में जहां सुरैया को दफनाया गया, वहां सब की आंखें देवानंद को तलाश कर रही थी। लेकिन वो नहीं आए। Recently, when the news came that she'd passed away, somebody called me and I felt bad. And somebody said, she's in that hospital. I didn't want to go. Because, see me, your sorrows are in your citadels of loneliness. They're not to be shared with the world. Because Suraiya was Suraiya. She was a beautiful girl. She was a lovely actress. She was a great singer. I loved her. She loved me back. And I knew, and I just kept quiet. And I went in a corner, and I felt very sad. Sad about the whole situation, sad about her. But maybe she was released from sorrow. Who knows? 3rd December 2011 को देवानंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आखिर तक दिल में उस अधूरी लव स्टोरी की कसक रही। एक ऐसी लव स्टोरी जिसके बारे में ये दोनों सालों बाद भी ऐसे बात करते थे जैसे ये कल ही की बात। एक ऐसी ही खूबसूरत लव स्टोरी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत। लव स्टोरी सीजन 2।